हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज से केमिस्ट्री में महामैराथन क्लास शुरू हो रहा है बच्चा। ठीक है, आज अपने आप को आजमाइए कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी है। आज के क्लास में आप लोग आज जवाब दीजिएगा, हम उसका आज एंसर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि देखते हैं कि आपकी तैयारी किस समय एग्जामिनेशन का समय जो है नज़दीक आते आते आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अनुराग राठौड़, एके अनुभारती, पीयूष भारती, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो बच्चा, है ना, और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे और फटाफट बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चों लोग, जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज एकदम महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ बच्चा, है ना, एकदम महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज के क्लास को एकदम शेयर कीजिए आप लोग, ताकि मोर देन मोर बच्चे जो है ना वो हमारे साथ आज के क्लास में आकर लाइव टेस्ट जरूर दें। ठीक है, ये उनके कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए तो जल्दी से फटाफट क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करना चाहेंगे। ठीक है बच्चा, ओके, चलिए जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जरा जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बाबू, तो आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। ओके, एक बार फटाफट शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आर यू रेडी फॉर क्लास, आर यू रेडी फॉर क्लास, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों। यादव स्टार, विवेकानंद, विशाल, प्रकाश, है ना, एक बार क्लास को शेयर कर दो बाबू। ओके, चलिए जल्दी से देखेंगे, अपने आप को आजमाइश कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार से आपको और किस टॉपिक पर मेहनत करनी है, कहां आपका पक्ष कमजोर है, कहां मजबूत है, उसको आकी। ठीक है, ओके, प्रकाश 890 FF मैक्स। ओके ओके, चलिए तो क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। पहला सवाल आज के क्लास का VVI इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। पहला नंबर सवाल, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताने का मेरे प्यारे बच्चों, और गर्दा गर्दा मचाने का बचवा। आज टाइम मैं नहीं दूंगा, फटाफट एकदम जल्दी से बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में, हाँ, हमारा जो है ना A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एवं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है, त्रिनताक्ष, है ना, B घनाकार, C एकांताक्ष, D ऑर्थोरोम्बिक, है ना, जल्दी से बताएंगे बच्चा, फटाफट बताएंगे, ये हमारे क्लास का दूसरा नंबर प्रश्न है। ओके, चलिए जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को से, बहुत वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। थ्री अनुचुंबक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है A H2O, B O2, C NaCl, D C6H6 मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताते जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार शेयर करेंगे बच्चा। ठीक है, तीन का क्या आंसर होगा, थ्री का क्या आंसर होगा बच्चा, थ्री का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए और चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कि FCC घनकी कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक से साझा करता है। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन A1 B 2 C 3 D 4। ओके, जल्दी से बताएंगे चौथे नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा, चौथे नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा जी, चौथे नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा बच्चा, गर्दा गर्दा मचाइए हो बच्चा। ओके, चलिए चार का डी इज द राइट आंसर बच्चों, फोर का डी इज द करेक्ट आंसर होगा, फोर का डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल बच्चों कि CSCl की क्रिस्टल संरचना है ना, SCC है,
एफसीसी है, बीसीसी है, ये बीसीसी है, ये हमारा एससीसी है, ठीक है, या डी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसका आंसर होगा आपको ये बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चा, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, ठीक है। पांचवें नंबर का आंसर क्या होगा बच्चा, पांचवें नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए पांचवें नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, पांचवा, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे, सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों, छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 हो सकती है, ए पोटेशियम, बी हमारा आयरन, सी जिंक, डी ऑरम, है ना, गोल्ड। ओके चलिए, छठे नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग, छठे नंबर सवाल का जवाब देंगे बाबू, छठा का आंसर क्या होगा, ठीक है, छठा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, एकदम गर्दा मचा दो, झूम मचा दो। ओके चलिए, छठा का ए इज द राइट आंसर बाबू, ए इज द राइट आंसर। चलिए सातवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, Na2SO4, ग्रेफाइट, सी कार्बन, डी P4O10, है ना, जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में, सातवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, सातवां नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा है हमारा जो है ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है बच्चा, ठीक है, फटाफट बताने का बच्चों, गर्दा मचाने का हो बच्चा, गर्दा छुड़ाने का। ओके चलिए, है ना, ये हमारा सातवां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, Na2SO4 इज द करेक्ट आंसर, Na2SO4 इज द करेक्ट आंसर बाबू। ओके चलिए, है ना, आठवां नंबर सवाल, बेरवादार ठोस का उदाहरण है ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी नमक, डी रबर, है ना, फटाफट जवाब देंगे बाबूआ, फटाफट जवाब देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा मचाने का बचवा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बच्चा, फटाफट बताएंगे आठवें नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जरा एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है, आठवा का डी, वाह बच्चा एकदम गर्दा छोड़ा दियो बचवा, डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, नवा नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यदि लैम्डा बराबर 5.1154 एंगस्ट्रम और थीटा बराबर 22.5 डिग्री है तथा एन बराबर 1 हो तो डी का मान इनमें से क्या होगा बच्चा, 9 नंबर सवाल, इसका नहीं जानते हैं तो फिलहाल आंसर मान लीजिए बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, दसवां नंबर सवाल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द मोस्ट VBI एंड TTI सवाल फॉर एग्जामिनेशन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या क्या होगी, दसवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, वो जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार गर्दा मचाने का, दसवां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, दस का आंसर क्या होगा बच्चा, बॉडी सेंटर्ड, है ना, दसवां का सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवां नंबर सवाल बच्चा, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, ए 20%, बी 30%, सी 52%, डी 62%, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे बच्चों, 11 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर, एकदम गर्दा मचाते चले, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे। चलिए 12वां नंबर सवाल, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, ए 58%, है ना, बी 68%, सी 78%, डी 88%, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, क्या होती है बचवा, जरा जल्दी से बताने का, ठीक है। चलिए 12वां नंबर सवाल है, 12वां का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, 12वां का बी इज द राइट आंसर बच्चा, बहुत अच्छे, बहुत सुपर डुपर हिट बचवा। ओके चलिए 12वां नंबर सवाल हो गया, 13वां नंबर सवाल बच्चा, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होगी, है ना, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होगी बचवा, ए 54%, बी 64%, सी 74%, डी 84%, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे,
जल्दी से बताएंगे बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा मचाने का, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा बच्चा, 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। 13 नंबर सवाल जल्दी से बताएंगे, 13 का आंसर क्या होगा, तो सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। 14 नंबर सवाल, यूनिट सेल के घनत्व का क्या सूत्र होता है, यूनिट सेल के घनत्व का क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताएंगे। D = m/NaQ, D = mn/NaQ, D = m/AQ, D = 1/NaQ, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों, है ना। जल्दी से बताएंगे 14 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, 14 का बी इज द राइट आंसर होगा, 14 का बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल, यदि किसी क्रिस्टल में R प्लस और R माइनस का अनुपात 0.414 से कम होगा तो समन्वय संख्या क्या होगी, है ना। A 3, B 4, C 5, D 6, है ना। चलिए बताएंगे, 15 नंबर सवाल है आज के क्लास का, एकदम गर्दा मचाते हुए चलना है बच्चवा। 15 नंबर सवाल है आज के क्लास का, 15 का डी इज द राइट आंसर, 15 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 15 का डी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल, यहां भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि यदि R प्लस बाई R माइनस का अनुपात 0.225 के बराबर है तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी बच्चा, 16 का बी इज द राइट आंसर बाबू, 16 का बी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल, यदि R प्लस बाई R माइनस का अनुपात हमारा 0.732 है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 17 नंबर सवाल, बड़ा भीभीसा ये सवाल, ठीक है। 17 नंबर सवाल का A इज द राइट आंसर होगा बाबू, नहीं जानते हैं तो फटाफट लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट जल्दी से, ओके। चलिए 18 नंबर सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल प्यारे बच्चों, गर्दा मचाने वाला सवाल, TTI और ये VBI सवाल, है ना। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी शून्य हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 18 का बताएंगे क्या आंसर होगा, 18 नंबर सवाल, है ना, ओके। चलिए आज आप लोग का लाइव टेस्ट है बाबू, आज आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो 18 का बी इज द राइट आंसर होगा, 18 का बी इज द राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। चलिए 19वां नंबर सवाल, है ना, 19वां नंबर सवाल हमारा ये दिया हुआ है, इसका Ni प्लस 2 का प्रतिशतता क्या होगा, यदि नहीं जानते हैं आप लोग, ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर मान लीजिए, है ना, इसका सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 20वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 20वां नंबर सवाल बच्चा, है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, क्या है कि NaCl क्रिस्टल में यदि हमारा स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है जिसमें Na प्लस के स्थान पर Cr प्लस 2 आयन प्रतिस्थापित होता है, Cl माइनस आयन प्रतिस्थापित होता है, Cl2 ही प्रतिस्थापित हो जाता है ना, डी इनमें से कोई नहीं, बताएंगे 20वां नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चा, 20वां नंबर सवाल बच्चों, गर्दा मचाने का, ओ बचवा गर्दा मचाने का, 20 का आंसर क्या होगा, चलिए 20 का ए इज द राइट आंसर, वाह बच्चा बहुत अच्छे, सुपर डुपर एट, राइट राइट बिल्कुल राइट, ए इज द राइट आंसर। चलिए 21वां नंबर सवाल बच्चा, यदि बैंड गैप 0.7 CB हो तो वह विद्युत रोधी होगा, अर्धचालक होगा, अति चालक होगा, क्या होगा, जल्दी से बताने का बच्चा, फटाफट बताएंगे 21वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, 21वां का बी इज द राइट आंसर होगा बाबू, 21 का बी इज द राइट आंसर होगा बाबू, 21 का बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल हमारा, है ना, ये 22 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, चालक के साथ उपस्थित AS हो तो वह ऑक्सीकारक है, अवकारक है, डोपेंट है, क्या है, जल्दी से बताएंगे। 22वां का क्या आंसर होगा, 22 नंबर सवाल, है ना, 22 का सी इज द राइट आंसर, डोपेंट इज द राइट आंसर होगा बाबू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छी तैयारी है बाबू, है ना, सबका देख रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, इसी प्रकार से लगनशील रखिए, एकदम सफलता आपकी कदम चुमेगी, और इस बार बोर्ड एग्जाम में 90+ करके आना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल बच्चा, एक बार मैग्नेटोर किसके बराबर होता है? एक बार मैग्नेटोर जो है किसके बराबर होता है बच्चा, जल्दी से बताएंगे। एक बार मैग्नेटोर जो होता है किसके बराबर होता है बच्चा, क्लास को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, जितना बच्चा रहेगा ना उतना अच्छा टेस्ट देने में मन लगेगा बच्चा, है ना। तो 23 का क्या आंसर होगा बच्चा, 23 का जल्दी से बताएंगे, 23 का आंसर क्या होगा? एक बार 23 का ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा। नहीं जानते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। 23 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल, C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर सवाल बच्चा, गर्दा मचाने वाला सवाल, 24 नंबर सवाल गर्दा मचाने वाला सवाल हो बचवा। 24 का सी इज द राइट आंसर, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय इज द राइट आंसर होगा, ओके, प्रतिचुंबकीय राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर सवाल, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, है ना। 25 नंबर सवाल, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है बच्चा? 25 नंबर सवाल का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे हो बचवा। 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा बाबू। 24 का बी इज द राइट आंसर होगा, देख लो, मिला लो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर सवाल, एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास का अनुपात का मान होता है? फटाफट जल्दी से नोट करेंगे, VBI.4NN एग्जामिनेशन 26 नंबर सवाल, ओके। मेरे पहले सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं जानते हैं तो, है ना। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, फटाफट बताने का, ठीक है। 26 का हमारा डी इज द राइट आंसर होगा, 26 का डी इज द राइट आंसर होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे हो बबुआ, ठीक है। एकदम तक तक थैया 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 करना, एकदम डम डम डिगा डिगा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? A4, B6, C12, D7, ओके। चलिए फटाफट जल्दी से बताएंगे हो बचवा क्या आंसर होगा, एक बार गर्दा मचाने का बचवा, एकदम मैराथन क्लास है बच्चा है। जितना लाइव टेस्ट दोगे उतना आप में निखार आएगा बच्चा, एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे जरा, है ना, एक बार क्लास को और जरा शेयर कर देंगे। 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल मेरे बच्चों, 27 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। 27 का बी इज द राइट आंसर, 27 का बी इज द राइट आंसर बाबू, 27 का बी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी कॉपर, डी जिंक, जल्दी से बताएंगे। 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल बच्चा गर्दा मचाने वाला सवाल हो बचवा। 28 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा फटाफट बताने का, 28 का बी इज द राइट आंसर होगा, सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर बाबू, है ना। चलिए 28 का बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 29 नंबर सवाल, रवदार ठोस इनमें से कौन सा है? 29 नंबर सवाल, रवदार ठोस इनमें से कौन है? ए कांच, बी रबर, सी हीरा, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। रवदार ठोस इनमें से कौन सा है जल्दी से बताएंगे, रवदार ठोस इनमें से कौन सा है जल्दी से बताएंगे बचवा। 29 का वाह बच्चा गर्दा मचा दिए जी, एकदम वेरी वेरी वेरी, एकदम बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल, NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na प्लस आयन कुल कितने Cl माइनस से घिरा होता है? ए ऑप्शन 4, बी 8, सी 6 और डी 2, है ना, जल्दी से बताएंगे। 30वां नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, एक बार गर्दा मचाने का हो बचवा, गर्दा मचाने का, एकदम गर्दा मचा दीजिए आप लोग, ओके। 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। 30 का सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, 30 का सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, है ना। चलिए एकदम आज एकदम महामैराथन में जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, और जितना ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ओके। चलिए 31 नंबर सवाल, जालक में ए बी व्यवस्था दर्शाती है, ए घनाकार जालक, बी
बीसीसी जालक, सीएफसीसी जालक, डीएससीपी जालक, एकदम जल्दी से बताएंगे। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, 31 नंबर सवाल स्क्रीन बोर्ड पे है बाबू, 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी से बताएंगे। 31 नंबर सवाल है ना, 31 का डी इज द राइट आंसर, जिन बच्चों का डी इज द करेक्ट आंसर है, जल्दी से गर्दा शेयर किया जाए आज, एकदम गर्दा मचा देंगे बबुआ। चलिए 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषम द्विसत्ता को दर्शाता है? ए ग्लास ट्यूब, बी BaCl2, सी लकड़ी का घन, डी प्लास्टिक की, जल्दी से बताएंगे। 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताने का, 32 का क्या आंसर होगा? चलिए 32 का बी इज द राइट आंसर होगा बाबू, 32 का बी इज द राइट आंसर, सब ऑप्शन मिलाते जाइए, नहीं जानते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार गर्दा शेयर कर देंगे जरा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल बच्चा, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? ए शॉर्ट की त्रुटि, बी फ्रेंकल त्रुटि, सी डोपिंग, डी इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, जल्दी से बताएंगे। 33 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा बच्चा, 33 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, जल्दी से बताएंगे। 33 का सी इज द राइट आंसर होगा, डोपिंग है ना, डोपिंग इज द राइट आंसर मेरे, जो एक बार शेयर कर देंगे जरा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल बच्चा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वार्ड इन रिक्तियां होती है? पहला बीसीसी और एफसीसी, दूसरा एससीपी और एससीसी, तीसरा एससीपी और सीसीपी, डी बीसी और एससीपी, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे बच्चा। 34 का क्या आंसर होगा, 34 का क्या आंसर होगा बबुआ, मचाने का हो गर्दा हो बच्चा, जल्दी से बताएंगे। 34 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल राइट, डी इज द राइट आंसर बाबू, डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, डी इज द राइट आंसर होगा, अपने आपको अजमाइए कितना आप पढ़े हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, टीटीआईएन बीबीआई सवाल है ना, यही सब प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। 35 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा बच्चा, 35 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, एक बार क्लसवा का शेयर कर दो हो ना जी, एकदम मजा आई हो बचवा। चलिए 35 नंबर सवाल का जवाब देंगे, 35 नंबर सवाल का जवाब देंगे बचवा, क्या आंसर हो, 35 का क्या आंसर होगा बच्चा, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी है बच्चा, एकदम इसी प्रकार से लगनशील बने रहिए, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी हो बचवा। चलिए 36 नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोजिंग पैक संरचना होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है बच्चा? बेबी वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है ना, इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी बच्चा, जल्दी से बताएंगे, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी बच्चा, जल्दी से बताएंगे। 36 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, 36 का डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, 36 का डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, चलिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर सवाल, बेरवेदार ठोस इनमें से कौन सा है? बेरवेदार ठोस कौन सा है बच्चा, जल्दी से बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन पे बच्चों, जल्दी से बताएंगे, बेरवेदार ठोस इनमें से कौन सा है, बेरवेदार ठोस इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। वाह बच्चा मजा आ गया, आज बाग दिल गार्डन गार्डन कर दिया हो बचवा, सब मजा आ गया, बहुत अच्छी तैयारी है, बिल्कुल 100% सभी बच्चे जो है ना एकदम करेंटली एकदम सही जवाब दे रहे हैं बच्चा है ना, तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, थकना नहीं है, मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चा, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है, फटाफट जल्दी से मिलेंगे दूसरे अध्याय में। वाह बच्चा आ गया हो बचवा, मजेदार क्वेश्चन बुझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुण धर्म कौन सा है? पहला पृष्ठ तनाव, बी परासरण, सी चालकता, डी अर्धायु, जल्दी से बताएंगे, हम देखना चाहेंगे किन बच्चों का है हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, फिर से एक नंबर पर आ गए दूसरा अध्याय के लिए, ओके। चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चा, फटाफट एक बार क्लसवा का शेयर कर दो ना जी, मजा नहीं आवत हो,
जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाह बच्चा मजा आ गया, वाह वेरी वेरी गुड, ओके बी द राइट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा नंबर सवाल बच्चा, दूसरा नंबर सवाल बच्चों, किसी बिलियन में विलय का मूल प्रभाज किससे व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा एक सॉलिड कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस एन, यानी ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, है ना, जल्दी से बताएंगे बचवा क्या आंसर होगा, इसमें एकदम गर्दा मचाने वाला है जी, है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल का क्या आंसर होगा फटाफट बताते जाएंगे बचवा, एकदम मजा आ जाए, ठीक है। इस तरह से तैयारी अपनी जारी रखिए कि एकदम क्वेश्चन देखे आंसर पाते जाएं। फटाफट जल्दी से बताएंगे दूसरा का क्या आंसर होगा, दूसरा का, ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर होगा बाबू, दूसरा का बी इज द सॉरी दूसरा का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहां पे थोड़ा सा ये स्मॉल एन होगा, ओके। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, एक मिलीग्राम पर लीटर किसके बराबर होता है। तीसरा नंबर सवाल, एक मिलीग्राम पर लीटर किसके बराबर होता है, जल्दी से बताएंगे। एक मिलीग्राम पर लीटर किसके बराबर होगा बच्चा, जल्दी से बताएंगे। तीसरा नंबर सवाल बीबीआई सवाल, तीसरा नंबर सवाल बीबीआई सवाल बच्चा, तीसरा नंबर सवाल आपके एग्जामिनेशन में ये सब पूछने वाला प्रश्न है बच्चा। तीसरा नंबर सवाल, ये पीपीएम के बराबर होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, किसी गैस की विलायक में विलेयता का समीकरण है, है ना। ए ऑप्शन एस बराबर के पी एक्स, बी एस बराबर पी एक्स, सी एस बराबर के बटा पी एक्स, डी इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बबुआ, एकदम अजमाइश करो ना बाबू, तू लोग डरो नहीं, डर के आगे जीत है मेरे प्यारे बच्चों। जितना आप शेयर करेंगे, जितने बच्चे आपके साथ रहेंगे, उतना मजा आएगा आपको आंसर देने में, ओके। चौथा का क्या आंसर होगा बच्चा, चौथा का ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर सवाल, अपेक्षित बाष्प दाब का अवनमन होता है, अपेक्षित बाष्प दाब का अवनमन होता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताएंगे वो बच्चों, मजा आएगा एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। मैं सबका आंसर देख रहा हूं बच्चा, है ना, लेकिन एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जरा, एकदम मजा आ जाए, ओके। पांच का बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। चलिए छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम को पालन करता है, जल्दी से बताएंगे। इनमें से कौन सा राउल्ट के नियम को पालन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। गर्दा मचाने वाला सवाल, एकदम बीबीआई टीटीआई सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए प्यारे बच्चों। छठा का क्या आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, सी इज द राइट आंसर होगा, देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, ओके। चलिए सातवां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श बिलियन के लिए क्या है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड बीबीआई क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये टीटीआई भी है और ये आपका बीबीआई भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। आदर्श बिलियन के लिए क्या सत्य है, जल्दी से बताएंगे। आदर्श बिलियन के लिए क्या सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा मचाने का बबुआ मजा आ गया। सातवां नंबर सवाल है, जल्दी से बताएंगे सातवें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, ठीक है। सातवां का क्या होगा, वाह बहुत अच्छे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल बच्चा, एकदम मजा आ गया, है ना, आज दिल गार्डन गार्डन कर दिया बच्चा, ओके। चलिए आठवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सही है बच्चा, आठवां नंबर सवाल और जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सही है। आठवां नंबर सवाल, इनमें से कौन सही है बच्चा, एकदम गर्दा बांटे हो बचवा, मजा आ गया जी, है ना, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे बच्चा बहुत अच्छे, बहुत सुपर डुपर हिट तैयारी, बाहो आप लोगों का, ओके। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नवा नंबर सवाल, किसी तनु बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, किसी तनु बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। ए सांद्रण के समानुपाती, बी सांद्रण के व्युत्क्रम अनुपाती, सी इनवर्सल के समानुपाती, डी में से कोई नहीं, नम्मा का क्या आंसर होगा। नाइन नंबर सवाल का क्या आंसर होगा बच्चा, एकदम एक बार शेयर कर दो जरा, है ना, एक बार शेयर कर देंगे मजा आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नम्मा का सभी जानते हैं कि ए इज द राइट आंसर ना होगा सर, यही तो आप बताना चाह रहे हो हमको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसवां नंबर सवाल बचवा, राउल्ट के अनुसार
TB is equal to KB into A गुना 100 by B into M, जहां KB क्या कहलाता है, पहला राउल्ट का स्थिरांक, B उन्नयन का स्थिरांक, C यूनिवर्स स्थिरांक, D इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, दसवां का आंसर क्या होगा बच्चा, दसवें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, दसवां का बी इज द राइट आंसर होगा, उन्नयन का स्थिरांक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर सवाल बच्चा, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 11वां नंबर सवाल, मोस्ट बीबीआई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ए नॉर्मलता, सी मोलरता, डी मोलरता, डी फॉर्मलता। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 11वें नंबर सवाल का, हम सबका आंसर देखे थे रे बबुआ, जल्दी से बताएंगे 11वां नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे बाबू। वाह बच्चा मजा आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम तैयारी सुपर डुपर हिट भाई। ये बी होता और ये सी होता, डेट मीन सी इज द राइट आंसर, मूलतः ताप पर निर्भर नहीं करता। ओके चलिए 12वां नंबर सवाल, सभी शुद्ध पदार्थों के, पहला नंबर 12वां नंबर सवाल, सभी शुद्ध पदार्थों के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं। बी हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु परिवर्तनशील होता है। सी हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु अनिश्चित होते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर सवाल और एकदम बीबीआई क्या सवाल है बच्चा, कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका हिमांक और क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बिल्कुल बच्चा निश्चित होते हैं, ए इज द राइट आंसर। मैं देख रहा हूं सही बच्चे बिल्कुल शत प्रतिशत सही जवाब दे रहे हैं। ओके वेरी गुड बच्चा। चले 13वां नंबर सवाल, हिमांक का अवनमन स्थिरांक है ना, 13वां नंबर सवाल, हिमांक का अवनमन स्थिरांक सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। बी विभिन्न विलायकों के लिए भिन्न भिन्न मान होते हैं। सी दोनों, डी सभी गलत हैं। जल्दी से बताएंगे 13वां नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, 13वां नंबर सवाल का क्या जवाब होगा बचवा है ना। तो 13वां का हमारा जो होगा 13 नंबर सवाल का ए इज द राइट आंसर होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां नंबर सवाल, हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों को अनुभार निर्धारण में किया जाता है। ए गैस, बी बाष्पशील, सी अबाष्पशील द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी अबाष्पशील अविद्युत विच्छेद है ना। चलिए 14 नंबर सवाल का जवाब देंगे, 14 नंबर सवाल का जवाब देंगे हो बबुआ। 14 का क्या आंसर होगा, 14 का सी इज द राइट हुआ, अबाष्पशील द्रव न होता है बच्चा, अबाष्पशील विलेय को मिलाते हैं बच्चा, बहुत अच्छे ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल, किसी बाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किस मेथड के द्वारा किया जा सकता है। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, किसी बाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। पहला आंसर विक्टर मेयर विधि, नहीं जानते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 16वां नंबर सवाल, हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित अनुभार निर्धारण के लिए किस किस प्रकार के पदार्थों का उपयुक्त है। जो पहला ए घोल में संघनित होते हैं, बी बाष्पशील होते हैं, सी अबाष्पशील अविद्युत परिच्छेद होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। 16वां नंबर सवाल क्या लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम गर्दा बाटे हो बचवा। 16 का सी इज द राइट आंसर, 16 का सी इज द राइट आंसर, 16 का सी इज द राइट आंसर होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर सवाल, हिमांक के अवनमन की विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पहला क्रायोस्कोपिक, बी इवोल्योस्कोपिक, सी दोनों, डी सभी गलत है। जल्दी से बताएंगे 17 का आंसर क्या होगा, 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, 17 का ए इज द राइट आंसर होगा, नहीं जानते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है। चलिए 18वां नंबर सवाल, अर्ध पारगम झिल्ली के प्राशन क्रिया में कौन निकल पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ठीक है, तो इसमें विलायक के अणु, बी विलेय के अणु, सी जटिल आयन, डी सरल आयन। जल्दी से बताएंगे 18वां का क्या आंसर होगा, 18 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा बाबू, 18 का क्या होगा बताएंगे जल्दी। 18 का बी इज द राइट आंसर होगा, 18 का बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, विलायक के अणु। किसके अणु, विलायक के अणु, हमारा प्रसरण क्रिया में बाहर जाते हैं। ओके चलिए 19वां नंबर सवाल बच्चा,
सोलह ग्राम BaCl2 को हम जलीय घोलने पर जलीय विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर होता है, तो इसका मोलरता क्या होगा? मोल पर लीटर निकाल लेने का, मोल पर लीटर निकाल लेने का बच्चा इसमें समय लगेगा, है ना। 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बाबू। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, हम इसके आंसर की तलाश में है। फिलहाल इसका आंसर हम बी पे ताला लॉक करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको बना के, इसका आंसर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर सवाल बच्चा, 20वां नंबर सवाल भी आपका बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 50 ग्राम C2H5OH 50 ग्राम जल के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल का मोल प्रभाज क्या होगा। यह भी कैलकुलेशन वाला क्लास क्वेश्चन है, तो फिलहाल इसका आंसर हम टिक कर देते हैं, इसको घर पे जाके बना लीजिएगा, इसको घर पे जाके बना लीजिएगा, चूंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर सवाल पे आते हैं बच्चा, सभी का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, है ना। 21 नंबर सवाल सभी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्रसरण दाब क्या होगा। हम फिलहाल आंसर मार देते हैं, ठीक है, आप घर पे जाके इसको एक बार देख लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां नंबर सवाल बच्चा, है ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप जवाब दे सकते हो कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन मोलरता, बी मूलता, सी सामान्यता, डी सभी सत्य हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बच्चा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ओके। चलिए 22वां नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, 22 का सी इज द राइट आंसर होगा, नॉर्मलिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं बच्चा, हिंदी में समानता बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 22 का सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर सवाल, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बबुआ, 23 नंबर सवाल कि लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, ए मोल प्रभाज, बी सामान्यता, सी मूलता, डी मोलरता, है ना। जल्दी से जवाब देंगे, 23 का आंसर क्या होगा, 23 का मोलरता इज द राइट आंसर होगा बाबू, मोलरता इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट जल्दी से एकदम क्लियर कर देंगे बचवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल, है ना, इस सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिलहाल इसका आंसर मार देते हैं, 24 का आंसर क्या होगा, घर पे जाके एक बार बनाने का, इसका ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही है, है ना, पी नोट बी है ना, यहाँ पे पी नोट है बच्चा, है ना, ये पी नोट है, ठीक है, ये पी जीरो नहीं, पी नोट समझना है, ये पी नोट है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है ना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, 25 नंबर सवाल का, 25 का ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा, 25 का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चा, ठीक है। 26 नंबर सवाल, पीबी बराबर एसटी में एस का मान किसके बराबर होता है। पीबी बराबर एनआरटी पढ़े होंगे आप लोग, पीबी बराबर एनआरटी पढ़े होंगे, है ना। तो पीबी में एसटी में हमारा एस जो होता है आर के मान के बराबर होता है, आर के मान से छोटा होता है, आर के मान से बड़ा होता है। और 26 का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर के मान के बराबर होता है बच्चा, ये ए इज द राइट आंसर मारिएगा, यदि एन बराबर यहाँ एक रखिएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल बच्चा, ठीक है। 27 नंबर सवाल, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संख्यक असंख्यक गुणधर्म है। ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक, डी प्रासन भाव, सभी डी पे मारेंगे आंसर, ठीक है। मुझे मालूम है ये सब क्वेश्चन रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, एकदम गर्दा मचा देने का, ठीक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल, ये सब बेहतरीन सवाल है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण सही है। तो यहाँ ए या रॉल्ट के नियम का पालन करता है, या रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ए और बी, तो इसका आप लोग बताइएगा। 28 का ए इज द राइट आंसर होगा, नहीं 28 का ए इज द राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर, दो द्रवों का मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है।
ए हिमांक मिश्रण, बी एजोट्रॉप, सी ठोस बिलियन, डी इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, 29 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, ठीक है। 29 का बी इज द राइट आंसर होगा, एजोट्रॉप इज द राइट आंसर, एजोट्रॉप इज द राइट आंसर बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां नंबर सवाल, आइसोटोनिक बिलियन हुए हैं जिनके क्या बराबर होते हैं, ए पराशरिक दाब, बी हिमांक, सी क्वथनांक, डी में से कोई नहीं। आइसोटोनिक बिलियन में क्या बराबर होते हैं जल्दी से बताएंगे, आइसोटोनिक बिलियन में क्या होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, पाई वन बराबर पाई टू, है ना, पढ़े होंगे आप लोग कि परिसारिक यानी कि परासरण दाब इसको कह सकते हैं। तो 30 का ए इज द राइट आंसर होगा, वाह बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे, सुपर डुपर हिट, सुपर सुपर सुपर, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल को देखते हैं, परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हो, है ना, पाई बराबर सी आर टी क्या होगा, 31 नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग, 31 नंबर सवाल का जवाब देंगे बच्चा, 31 का ए इज द राइट आंसर होगा, पाई बराबर सी आर टी या पी बराबर सी आर टी होता है, ठीक है, एकदम लगे रहिए लगे रहिए। देखिए एनर्जी लेवल को आप एकदम जितना स्ट्रांग करके रखोगे आपका एग्जामिनेशन उतना बेहतरीन जाएगा बच्चा, है ना, आज आपकी बारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल, एक भास्विक अम्ल के जलीय विलयन की मोलारिटी 0.2 m है तो उसकी नॉर्मलता क्या होगी जल्दी से बताएंगे, 32 नंबर सवाल, 32 का क्या आंसर होगा, 32 का ए इज द राइट आंसर होगा बाबू, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल, किसी तनु विलयन के सहजात गुण का मान बढ़ता है जब विलेय का अणु होता है, संगुण होता है, विघटन होता है, क्या होता है जल्दी से बताएंगे, 33 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, बी इज द, जब विघटन होता है ना तो हमारा ऐसा क्रिया होता है बच्चा, एक बार फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट मार के एकदम फटाफट आंसर देते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, एकदम बउआ नुनू वाला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बच्चा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बाबू जल्दी से बताएंगे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, एकदम गर्दा मचाने का हो बबुआ, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है जल्दी से एकदम फटाफट बता दो, मजा आ जाएगा, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है जल्दी से बताएंगे, फटाफट हाथ को एकदम तेजी से बढ़ाते हुए जाइए, तू लोग लगता है अभी से एनर्जी लेस हो गया, अरे यार अभी तो कुछ नहीं हुआ है बच्चा, भाई बड़कड़ का मैराथन क्लास तो बाकी है, मेरे जितना लाइव टेस्ट दीजिएगा ना आपका एनर्जी लेवल उतना बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपकी उतनी बढ़ेगी बच्चा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, वाह बच्चा डी, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, चलिए है ना, तो दूसरा समाप्त, तीसरे पे शुरू हो जाते हैं, तीसरे पे शुरू हो जाते हैं बच्चा, है ना। चलिए तीसरे अध्याय के लिए आ जाइए, एक विद्युत अपघटय, है ना, पहला क्वेश्चन, विलयन में जटिल आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन देता है, केवल जल में घोलने पर आयन देता है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, पहले नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब देते जाएंगे बबुआ, मजा आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए एकदम अपने आप को लोहा मनवाना है बचवा, एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा छोड़ाना है, ठीक है, कि ना किसी को कुछ करना है, एकदम फटाफट आंसर बताते जाइए, एक का क्या आंसर होगा, बिल्कुल ठोस अवस्था में भी क्या होता है, विद्युत अपघटय क्या होते हैं जल्दी से बताएंगे बच्चा, एक बार फिर से जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा बच्चा, एक का सी, बिल्कुल बहुत अच्छे बत्ता, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए दूसरा नंबर सवाल, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ होता है, साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बच्चा, क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, एक बार क्लासवा का शेयर भी कर दो बच्चा, दूसरा का क्या आंसर होगा हम देखना चाहेंगे, वाह बच्चा मजा आ गया बच्चा, सी इज द राइट आंसर, कि हमारा यहां पर क्या होता है, शून्य होता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, सी उदासीन इलेक्ट्रोड, डी सॉरी यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा, धनात्मक डी, क्या आंसर होगा जल्दी, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होगा जब बताएंगे, गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा क्या होगा बच्चा, तीसरा नंबर सवाल, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होगा, ठीक है, तीसरा का क्या होगा जल्दी से बताएंगे, तीसरा का आंसर क्या होगा, ठीक है,
बिल्कुल, तीसरा का क्या होगा बच्चा? डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना है तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, टीटीआई एंड वीवीआई क्वेश्चन बचवा, जल्दी से बताएंगे, है ना? ओके, ऑर्डर बना लीजिएगा, जो सबसे नीचे होगा जल्दी से बता देंगे, उसका ज्यादा होगा, ठीक है? चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बबुआ, जल्दी से बताएंगे चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, है ना? चौथा का आंसर क्या होगा बच्चा? चौथा का डी इज द राइट आंसर होगा बाबू, चौथा का डी इज द राइट आंसर होगा, चौथा का डी इज द राइट आंसर होगा बबुआ। चलिए पांचवा नंबर सवाल, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, बिलियन की चालकता जो होती है किसकी समानुपाती होती है जी? ए तनुता के, बी विद्युत घनत्व के, सी आयनों की संख्या का, डी बिलियन के आयतन का। जल्दी से बताएंगे पांचवें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे पांचवें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, है ना? ओके बच्चा, पांचवें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे? हो पांच का बी इज द राइट आंसर होगा, ए बी ओ, है ना? ये सी और बी है, कोई बात नहीं बच्चा, ये सही है ना। आयनों की संख्या का आंसर क्या होगा इसका? पांचवा का आंसर क्या होगा? आयनों की संख्या का बी इज द राइट आंसर, ये सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है? ये सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है? ए NaCl, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी Na, जल्दी से बताएंगे, है ना? छठे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, छठे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चा? छठे नंबर सवाल का जवाब देंगे बच्चा, मजा आ जाएगा, एक बार शेयर कर दो जरा, छठे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? छठा का बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, है ना? छठा का बी होगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न, निम्न में सबसे खराब सुचालक कौन है? निम्न में सबसे खराब सुचालक कौन है? CH3COOH, C2H5OH, NaCl, जल्दी से बताएंगे निम्न में खराब सुचालक कौन है? सातवां का आंसर बताएंगे, निम्न में से खराब सुचालक कौन है बच्चा? जल्दी से बताएंगे निम्न में से खराब सुचालक कौन है? सात का बी द राइट आंसर, एल्कोहल, है ना? एल्कोहल या आंशिक एसिड होता है, ओके। चलिए सात का बी होगी। आठवां नंबर सवाल, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, विद्युत अपघटनी चालकता किसका मापक है? ए प्रतिरोध का, बी विभव का, सी सांद्रता का, डी आयनन का। जल्दी से बताएंगे आठवां नंबर सवाल, आठवां नंबर सवाल जल्दी से बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। आठवां नंबर सवाल, आठ का बी इज द राइट आंसर, विभव का, किसका? विभव का, है ना? किसका बउआ? तो विभव का, ठीक है? चलिए नवा नंबर सवाल, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण अपचयन क्रमशः होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण अपचयन होता है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा? फटाफट एनोड कैथोड पर, एनोड हुआ एनोड पर, कैथोड हुआ, जल्दी से कौन क्या होगा, नो का आंसर क्या होगा? नाइन का सवाल का आंसर क्या होगा? तो एनोड कैथोड पर, सही बच्चे जानते हो, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चा। नम्मा का हमारा क्या आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर होगा, नहीं, नाइन का इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां नंबर सवाल, वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? लैमार्क ने, ओस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, अरहेनियस ने। जल्दी से बताएंगे, दसवां नंबर सवाल, वीवीआई सवाल, टीटीआई सवाल, दसवां नंबर सवाल, वीवीआई सवाल, टीटीआई सवाल, बच्चा क्या आंसर होगा? तो आप लोग सही जवाब दे रहे हो ना, फैराडे इज द राइट आंसर होगा, क्या? चलिए अगला सवाल, 11वां नंबर सवाल, फैराडे का प्रथम नियम क्या है जी? जल्दी से बताएंगे, फैराडे का प्रथम नियम क्या है बबुआ? फैराडे का प्रथम नियम क्या है जी? 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, फैराडे का हमारा क्या नियम है? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे बच्चा, आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है? आपकी तैयारी आप लोग की बहुत सुपर डुपर हिट है बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर प्रश्न बच्चा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, ए ग्राम, बी ग्राम पर एम्पियर, सी ग्राम पर कूलम, डी कूलम प्रति ग्राम। जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे बचवा, फटाफट बताएंगे। 12वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 12वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चा? 12वां का आंसर क्या होगा? 12वां का ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ग्राम, ठीक है? 12वां का क्या आंसर होगा बच्चा? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर सवाल, एक फैराडे किसके बराबर होता है? एक फैराडे किसके बराबर होता है? 1F किसके बराबर होता है जी? जल्दी से बताएंगे, एक फैराडे किसके बराबर होता है बच्चा? जल्दी से बताएंगे, 13वां नंबर सवाल, क्या क्या आंसर होगा? है ये हमारा, है ना, लगभग क्या हो जाएगा,
तो ये 96500 कूलम लगभग होता है, बी भी मार सकते हैं सी भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 13वां नंबर सवाल का ही जवाब होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल, फैराडे की इकाई क्या है? एम्पियर, कूलम, कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति सेकेंड, है ना, जल्दी से बताएंगे। 14वें नंबर सवाल, फैराडे का हमारा इकाई क्या होगा जी, जल्दी से बताएंगे। 14वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, 14वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, सी, है ना। ओके जल्दी से बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना, कूलम प्रति मोल। 15 नंबर सवाल, सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक क्या है बच्चा, जल्दी से बताएंगे। 15 नंबर सवाल, सेल स्थिरांक क्या है बच्चा, सेल स्थिरांक क्या है बच्चा, है ना, एल, ये एल है बच्चा, एल बटा ए, ए बटा एल, है ना, ए इंटू एल, ए प्लस एल, जल्दी से बताएंगे कि सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है बच्चा। 15 नंबर सवाल का जवाब देंगे, सेल स्थिरांक क्या होता है, ए इज द राइट आंसर होगा बाबू, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल, विद्युत अपघटक के बिलियन में मोलर चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि होता है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, है ना, आपको जल्दी से बताएंगे बच्चा। 16वां नंबर सवाल, 16वां नंबर सवाल, है ना, मोलर चालकता, है ना, यहाँ पे मोलर है बच्चा, है ना, पोलर नहीं पलना, मोलर चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे। 16 का डी इज द राइट आंसर होगा, सभी इनमें से सही, इनमें से सभी इज द राइट आंसर होगा बाबू, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 17वां नंबर सवाल, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, फैराडे से, कूलम से, ईएमएफ से, डी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे, है ना। 17वां नंबर सवाल, तो ये कूलम से जानते हैं बच्चा, किसके नाम से जानते हैं, कूलम के नाम से जानते हैं, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। चलिए 18वां नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जल्दी से बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चा, है ना, ये सही बच्चे जानते होंगे कि सर ये तो बउआ नुनू वाला क्वेश्चन 6 बता दे लो बोर्डवा पर दे दे लो, ठीक है। चलिए 20 द राइट आंसर। चलिए 19वां नंबर सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, ये सभी मोस्ट वीवीआई और टीटीआई, मोस्ट वीवीआई और टीटीआई सवाल, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती बच्चा, 19वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 19 का 20 द मारिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके चलिए, ओके चलिए 20वां नंबर सवाल, ZnSZn+2Cl2 है तो ये किसका है, कौन सा सेल की अभिक्रिया है, पूर्ण अभिक्रिया है, वेस्टर्न डेनियल कैलामल सेल, जल्दी से बताएंगे 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा, तो सही बच्चे जानते होंगे डेनियल सेल, है ना, इसका क्या आंसर होगा, डेनियल सेल इज द राइट आंसर होगा, डेनियल सेल, ओके डेनियल सेल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एम्पियर की विद्युतधारा को 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1/18 धातु के 1.8 ग्राम जमा होते हैं, धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करने वाला सवाल है बच्चा। 21 नंबर, इसमें टाइम देंगे हम, फिलहाल इसका आंसर हम मार देते हैं, 21 का सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, घर पे बना लीजिएगा इसको, 21 का सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां नंबर सवाल, 96500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त कराती है, कितना ग्राम CU मुक्त कराता है, जल्दी से बताएंगे, इसका तो बता देगा बच्चा, कितना बारी चटनी बउआ नुनू वाला क्वेश्चन है ना। 22 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर दोगे नहीं, कि सर ये तो बी इज द राइट आंसर होगा, सर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां नंबर सवाल बच्चा, चालकता की इकाई क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, चालकता की इकाई क्या होगी, जल्दी से बताएंगे चालकता की इकाई क्या होगी। ओके 23 नंबर सवाल का जवाब देंगे बच्चा, 23 का क्या आंसर होगा, 23 का आंसर क्या होगा बबुआ, ठीक है, 23 का आंसर क्या होगा बच्चा, चालकता की इकाई क्या होगी, ठीक है, 23 का सी इज द राइट आंसर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर, मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, बताएंगे मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, बीवीआई टीटीआई, है ना, ये सवाल मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, 24 नंबर सवाल, मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, जल्दी से बताएंगे मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, 24 नंबर सवाल, 24 का डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, देख लीजिए डी इज द राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, 25 नंबर सवाल,
तो लियांकी चालकता की इकाएं क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। 25 नंबर सवाल, तो जल्दी से बताएंगे बच्चों, तो लियांकी चालकता की इकाएं क्या होगी। 25 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे बच्चा, है ना। ओके ओके बच्चा, यहाँ पे सेंटीमीटर हमारा क्या है ना, सेंटीमीटर यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है तुल्यांकी चालकता सीएम, यहाँ पर स्क्वायर बच्चा, ओम इनवर्स है, ठीक है, ओम इनवर्स है, यहाँ पे ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। 25 का हमारा आंसर क्या होगा, 25 का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल, कोल राउसो राउस का नियम क्या है, कोल राउस का नियम क्या है बच्चा। 26 नंबर सवाल का जवाब देंगे, 26 का बी इज द राइट आंसर होगा, 26 का बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, 26 का बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है किस पर, ए प्रतिरोध पर, बी समय पर, सी विद्युत धारा पर, डी विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, जल्दी से बताएंगे। 27 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 27 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चा, इसका ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके चलिए, ओके चलिए, 28 नंबर सवाल, Cu+2 के 4 ग्राम तुल्यांक को Cu धातु में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी बच्चा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसका फिलहाल आंसर मार देते हैं, इसको घर पे जाके बना लीजिएगा, है ना, घर पे जाके इसको बना लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल, एक फैराडे विद्युत धारा किस बिलियन से 1 ग्राम धातु निक्षेपित करती है, जल्दी से बताएंगे, है ना, 1 ग्राम, ये क्वेश्चन बना सकते हो आप, 29 नंबर सवाल को बना सकते हो, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा बच्चा, डी इज द राइट आंसर मारिएगा, डी इज द राइट आंसर मारिएगा बाबू, ठीक है, डी इज द राइट आंसर मारिएगा। ओके ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, है ना, 0.1 फैराडे विद्युत धारा LCL त्रिपाई करने पर कैथोड पर निक्षेपित धातु की मात्रा क्या होगी, सबका आंसर बताते हैं एक बार घर पे जाके जरूर बनाने का। 30 का C इज द राइट आंसर होगा, 30 का C इज द राइट आंसर होगा, सबको एक बार घर पे जाके बनाइएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, इनमें से कौन सा सही है बच्चा, है ना, इनमें से कौन सही है, इसका सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, है ना, फैराडे का विद्युत अवगुण नियम निम्न में से किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बच्चा, ठीक है। चलिए 32 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा, 32 का डी होगा बच्चा, 32 का क्या होगा, डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक बार बताएंगे कि आज के टेस्ट में आपने कितना लाया, आपने कितना कितना मार्क्स लाया बच्चा, है ना, हमारा टोटल जो है लगभग 112 क्वेश्चन है, 112 में आप कितना क्वेश्चन सही किए हो, 110 क्वेश्चन मान के चलिए, कितना आप सही किए हो। और एक बात और आप लोग को बतानी है, कहीं जाने का नहीं, कहीं घूमने का नहीं, आराम आराम से सही प्रश्नों को घर पे एक बार जाके बनाने का बच्चा, एक बात आप लोग को बतानी जरूरी है। ओके देखिए क्या है बच्चा, देखिए 12th बच्चों के लिए क्या है, ये हमारा भी ऑफर चला हुआ है बच्चा, है ना, इसको आप नहीं भूलिएगा, है ना। देखिए साइंस वाले स्टूडेंट के लिए क्या है बच्चा, 399 पूरा गेसिंग क्वेश्चन है बच्चा। आर्ट्स वाले के लिए क्या है, 299 है बच्चा, है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको बताए थे ना, नहीं बताए तो देख लीजिए, VBI लॉन्ग, VBI शॉर्ट, है ना, VBI आपका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्या है, इसमें मॉडल पेपर भी है, मॉडल पेपर को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर आपका टेस्ट सीरीज भी है बच्चा इसमें, ठीक है। तो आप चाहिए तो परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चा, ये हमारा जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं, 6200733858 पे आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। इसको नोट्स के लिए कर सकते हैं बच्चा, एक बार क्लास को मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर करेंगे बच्चा, बहुत मजा आया। और जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन का सही सही करेक्शन किया बच्चा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, है ना। बहुत मजा आ गया, लेकिन थोड़ा सा, है ना, ये हमारा
छोटी सी पहली मैराथन क्लास थी, है ना। इसी प्रकार से आपके लिए वीक में एक दिन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे मैराथन क्लास के लिए। ओके, तो क्लास को जरूर शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, शेयर कीजिएगा ना। मजा आया ना, एनर्जी महसूस हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताइए। एकदम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस किए ना, कहेगा हाँ सर आज तो एकदम मजा आ गया। आया ना मजा, यस या नो, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके चलिए, बिल्कुल राइट बच्चा, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन का करेक्शन किया है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, तब तक एकदम डम डम डिगा डिगा तब तक थैया करके घर पे जाकर तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।